गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये देखो मॉर्निंग व्यू देखो आप, और घुग्गी की आवाज़ आ रही है। कितना अच्छा मौसम हो रहा है आज, तो बहुत ही सुहावना मौसम हो रहा है, बहुत ही अच्छा। ये देखो, मुझे अच्छा लगता है आपको यहाँ का मॉर्निंग व्यू दिखाना। ये देखो, अब मैं बना रही हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय, और हस्बैंड उठ चुके हैं तो उनको मैंने गर्म पानी दे दिया है। और सिर में देखो आज मैंने तेल लगाया हुआ है, उनको पानी दे दिया गर्म पानी, गर्म पानी पीते हैं उठ के वो 2 गिलास। और अब चाय का टाइम हो गया, मैं उनको चाय दूँगी, बिस्किट दूँगी, नमकीन बिस्किट है, जीरे वाले नमकीन बिस्किट। और साथ में मैं भी लूँगी, ये 2 बिस्किट मेरे रखते हैं, ये 2 बिस्किट मेरे। अब बैठ के मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं सफाई फाई करूँगी। चाय बन गई है, आप भी पी लो फ्रेंड्स, चाय पी लो। सुबह सुबह चाय बहुत अच्छी लगती है ना, चाय पी लीजिए आप भी आके। अब मैं चाय देकर आती हूँ, हस्बैंड को देकर आती हूँ। मैं अपने बालकनी में बैठूँगी, बाहर चाय पीऊँगी, वो अभी उठे हैं, रूम में बैठे हैं। देखो यूट्यूब फैमिली, आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी देसी स्टाइल में, ठीक है। और वो बहुत अच्छी बनती है, एकदम चटपटी बनाऊँगी। हमारे यहाँ फीका फीका खाना कोई नहीं खाता है, सब अच्छा, मतलब तेज़ मसाला तो नहीं, हाँ हरी मिर्च वगैरह स्पाइसी ज़रूर होना चाहिए। तो अब मैंने इसमें ये मैंने टमाटर पीस लिया है, टमाटर है ये, और इसमें है ये गरम मसाला घर का बना हुआ, और लाल मिर्च और हल्दी। ये मैंने तड़के के लिए प्याज ले ली है थोड़ी सी, और हरी मिर्च भी मैंने काट के रख ली है। अब मैं डाल रही हूँ उसमें ये सरसों का तेल, और फ्लो होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत सारा तेल डाल रही हूँ, लेकिन तेल ज़्यादा होता नहीं है, बहुत स्लो फ्लो होता है, बारीक सा बॉटल से। तो मैंने ये तेल डाल दिया है, बहुत ही कम तेल है इसमें। अब मैं डालूँगी, इसमें कुकर मेरा गर्म हो चुका था इसलिए तेल भी मेरा गर्म ही हो गया। अब डालूँगी इसमें मैं प्याज और लहसुन। ये मैंने प्याज और लहसुन डाल दिया, जीरा भी मैं डाल रही हूँ, ये जीरा है और हल्की सी सौंफ है इसमें, सौंफ और जीरा। मैं इसको अच्छे से भून लूंगी, भून जाएगी तब मैं आपको दिखाती हूँ। आलू भी मैंने काट के रख उबाल के और रख लिए, उबले हुए आलू बनाऊंगी मैं, उबाल के रख लिए। इसमें डालूंगी अब मैं थोड़ा सा हींग, तड़के के साथ ही ये हींग भी भुन जाएगा। ये प्याज देखो भुन गई है, ये गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी। ये देखो ज़्यादा करूँगी तो फिर ये जल जाएंगी, जले हुए का टेस्ट आएगा। और अब मैं डालूँगी इसमें ये जो मैंने रखे थे हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला घर का कुटा हुआ। हींग में डाल चुकी इसमें पहले ही, ये थोड़ा सा मैंने स्लो कर दिया गैस, और इसमें ये भुन जाएंगे फटाफट, भुन जाएंगे। ये मेरा छुटकू सा कुकर है, देखो हम 3 जनों के लिए बहुत होता है, ज़्यादा सब्जी बनानी नहीं होती है। ये भुन गया है, अब मैं डालूँगी इसमें ये टमाटर, ये देखो टमाटर, हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च, और मैंने मिक्सी में टमाटर कूट लिया है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैं मिक्सी में जो टमाटर पीस के रखा था वो मैं डाल रही हूँ इसमें, ये सारा डाल दूंगी। थोड़ा सा मैं पानी भी डाल दूंगी इसको साफ करके, इसमें कुछ नहीं छोड़ूंगी मैं, इसको भी हिला के इसमें डाल दूंगी। ये डाल दिया मैंने इसमें पानी, अब
थोड़ा उबल जाएगा, इसमें मुझे नमक भी डालना है। ये थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी। अब मैं ये उबले हुए आलू इसमें मैश करके डालूंगी, कट करके नहीं डालूंगी, मैश करके डालूंगी। और ये फिर मैं मैश करके डाल के बन जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। मैं ग्रेवी के लिए मैं थोड़ा पानी भी डालूंगी, टमाटर और ये मेरा उबल गया है, थोड़ा पानी डाल के फिर उबालूंगी मैं। मैंने इसमें डाल दिया आधा गिलास पानी डाल दिया इसमें। और ये आलू होंगे मेरे ख्याल से एक पाव आलू होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं होंगे, 250 ग्राम आलू है। एक टिप बताती हूँ आपको, जब हम आलू टमाटर या कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं तो इसमें जो है आप थोड़ा थोड़ा पानी करके डालो, धीरे धीरे वो पानी उबल जाए तो फिर नेक्स्ट डालो। इससे क्या होगा, जितना भी आप ऑयल घी जितना भी डालते हैं, चाहे एक चम्मच डालो दो चम्मच डालो, वो सारा उबल के ऊपर आ जाता है, ग्रेवी में दिखता है, फिर वो अच्छी बनती है, ग्रेवी में दिखता है। मैंने इसमें दो बार उबाल दिया है, एक बार थोड़ा पानी डाला फिर डाला, अब ये उबल चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी, ये ठंडे आलू हैं, ठंडे आलू डालूंगी मैं इसमें, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ग्रेवी में कलर आता है, ऊपर बहुत अच्छा कलर आता है। देखो फ्रेंड्स, सब्जी मेरी तैयार हो गई है, ये इसकी ग्रेवी है। इसमें देखो ये इसका जितना भी मैंने सरसों का तेल डाला था सब अलग अलग हो गया, ये आ गया चमचे पे, ये देख दिख रहा है आपको, ये सब चमचे पे आ गया है और ऊपर ऊपर सारा आ गया, ये जो मैंने आपको टिप बताई थी ऐसे करने से। और ये देखो ये बन गई है पूरी के साथ खाने वाली आलू टमाटर की सब्जी। ये देखो तो बहुत टेस्टी है और अच्छी स्पाइसी है। अब मैं डालूंगी इसमें कसूरी मेथी। स्पाइसी का मतलब ये नहीं कि खाई ना जाए, बहुत मतलब ये है कि अच्छी लगता है, थोड़ा सा कभी कभी चटपटा बनाओ सब्जी अच्छी लगती है। ये देखो, पता नहीं दिख रही है क्या, ये देखो ये ना पतली है ना गाढ़ी है, ये देखो। अब मैं कुकर करती हूँ बंद, सब्जी मेरी बन रही है, मैंने आपको पूरी सब्जी की दिखा दी है रेसिपी, अब मैं कुकर बंद करूँगी। आज तो बंदरों ने पूरा उत्पात मचा दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया, बहुत बंदर आ गए। ये बंदर कभी कभी आते हैं, देखो पेड़ पे नजर आ रहे हैं, ये देखो ये बैठा, और एक नहीं है चार पांच हैं। एक ये बैठा, एक ये आया, दो बंदर, ये तो ये रे दो बंदर हैं। हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप सब? नमस्ते, राम राम, राम राम सीताराम। और मैं भी यहाँ ठीक हूँ, और यही उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपनी जगह पे सब अच्छे ठीक होंगे और आप सेहतमंद होंगे सब। तो मैं यूट्यूब फैमिली, मैं अब बैठी हूँ आपसे बात करने, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया अभी, और आज मुझे अपना जल्दी जल्दी काम इसलिए करना पड़ा क्योंकि हस्बैंड को भी जल्दी जाना था और बेटे को भी जल्दी जाना था। उनका लंच वगैरह पैक किया, ब्रेकफास्ट दिया, काफ़ी काम हो जाता है सुबह के टाइम, जूस बनाना, ब्रेकफास्ट तैयार करना, लंच बनाना, फिर पैक करना, और बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं छोटे छोटे जो करने पड़ते हैं। और मैंने कहा उनको करके फिर मैं कहा नहा धो के आता भी मैं बात करूँगी, आज थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं, और इसलिए आपसे अब आई हूँ आपके पास में बात करने के लिए नहा धो के। मैंने कहा मैं तसल्ली से बैठूंगी। आज तो क्या हुआ यूट्यूब फैमिली मेरे, मैं आपको बताया था कल के ब्लॉग में, मैंने बताया था कि मैंने आज कंबल धोया वॉशिंग मशीन में और हाफ हाफ करके धोया मैंने, हाफ पहले धो लिया था हाफ, फिर उसके बाद बाहर निकाल के फिर हाफ फिर डाला, तो फिर उसमें वो अच्छे से वॉश हो गया, वो सूख भी गया था, सब हो गया था। आज आ गए हमारे यहाँ बिन बुलाए मेहमान आ गए, और उन्होंने सब ने
अपना कर दिया। वो पहले तो प्लांट्स तोड़े और जितने मेरे अच्छे अच्छे पौधे थे सब तोड़ दिए, फूल खा लिए, सब अपना कर दिया उन्होंने, तहस नहस मचाया जैसे कि आदत होती है उनकी। कंबल सूखा सुखाया उस पे, वो 3 बच्चे थे और समझ गए होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, वो थे बंदर के बच्चे। बंदर के बच्चे, आज कम से कम 10 बंदर होंगे, लेकिन जो बच्चे थे उन्होंने इतना उत्पात मचाया आज घर में, बालकनी में। मैं दरवाजा तो बंद ही रखती हूँ, वो क्या होता है कभी कभी आ जाते हैं, हफ्ते 10 दिन, 15-20 दिन में, महीने में आते हैं, इतनी जल्दी तो खैर नहीं आते, लेकिन मैं जैसे ही मैं अंदर आती हूँ ना दरवाजा बंद करके आती हूँ। बाहर सूख रहा था कंबल तार पे मैंने देख तो लिए थे बंदर आ रहे हैं कि आज बंदर है, फिर मैंने कंबल को क्या करेंगे, कंबल क्या क्या करना है, लेकिन उन्होंने जो है कंबल पे ऐसा झूला झूला, पौधे भी तोड़ दिए कंबल पे खेले। जब मैं अपना फ्री हो गया अंदर से बाहर गई, मैंने कहा कोई खटपट हो रही है, तो कंबल नीचे और वो उसमें गुलाटी मार रहे हैं। मैंने कहा इन्होंने तो मेरा कंबल ही खराब कर दिया आज। फिर वो अभी मैंने दोबारा से धोया है और अभी वो वॉशिंग मशीन में ही पड़ा है पूरा। मुझे कई कई बार वो वॉश करना पड़ा, पहले झाड़ा फिर उसको धोया, तब अभी वो वॉशिंग मशीन में पड़ा हुआ है। मैंने कहा इसका पानी निकल जाएगा फिर मैं उसको डालूंगी। मेरे लिए आज इतनी मेहनत हो गई। इतना मतलब देखने में तो अच्छे लगते हैं, कभी कभी आते हैं तो अच्छे लगते हैं कि इन्हें देखते रहो, लेकिन जब नुकसान करते हैं ना फिर अच्छा नहीं लगता। लेकिन बंदर है तो नुकसान तो करेगा ही। नुकसान बहुत करता है बंदर। तो मैं यूट्यूब फैमिली, आज मैंने आपको ये इंसिडेंट बताया कि आज यहाँ ये हुआ, बिन बुलाए मेहमान आ गए आज तो घर में ही, और अच्छा हुआ कि अंदर नहीं आए। तो आज मेरे साथ, मैं उनमें लगी रही, बहुत काम बढ़ गया। फिर मैंने बाहर सफाई करी दोबारा से और कंबल को वॉश किया, बस पूछो मत क्या कितना गंद फैलाया उन्होंने। और मेरे एक दो चीजें बाहर रखी थी वो तोड़ दी थी, प्लांट्स भी तोड़े हैं छोटे छोटे। तो यूट्यूब फैमिली, अब मैं दोस्तों, अब मैं इस को यहीं अभी ब्रेक करती हूँ, और अभी तक मैंने कुछ खाया भी नहीं है। अब मैं थोड़ा खा के फिर रेस्ट करूँगी और उसके बाद मिलेंगे हम। और आज मैंने बनाई थी सब्जी आलू टमाटर की, वो मैं रेसिपी डाल दी है। फिर मैं आपसे मिलूँगी अभी थोड़ी देर बाद। देखो ये फ्रेंड्स, अब गाजर आ गई हैं, सेब हैं, संतरे हैं और पानी की बोतल हैं। इनको मुझे संभालना है, अब शाम हो गई है, इनको मैं सुबह धोऊंगी और फिर संभालूंगी इनको। पानी की बोतल भी निकाल निकाल के पैकेट में मुझे धोनी है, धो के फिर फ्रिज में रखूंगी, ये ऑफिस में जाएंगी पानी की बोतलें। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेरा ये यहाँ काम हो गया ये वाला, मैं अभी मिलती हूँ आपसे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? और अब हो गया टाइम शाम का और खाना पीना सबका हो गया है, हस्बैंड भी आ गए, बेटा भी आ गया ऑफिस से, और अब बज गए हैं रात के 9, और मेरा काम अब ख़त्म हो गया सारा। वो जो दिन का था, वो मैं जो भी था मैंने आपको दिखा दिया, और अब हम मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में। और फ्रेंड्स आपको एक बोलना था, आप मेरे ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़, और आप सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, और फ्रेंड्स पूरा ब्लॉग देखा करो। और मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाती रहूँगी। आप मुझे कमेंट में बताओ मैं आप किस तरह से ब्लॉग चाहते हो, मैं उसी तरह से फिर बनाऊंगी। अभी मुझे थोड़ा कम ही आता है ब्लॉग बनाना, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि सारे बनाती हूँ मैं, जो भी मेरा रूटीन होता है मैं बना ही देती हूँ। और अब फ्रेंड मैं आपको करती हूँ गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ओके बाय।